नमस्ते, एसटी किचन एंड इजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बेल की शरबत की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मियों के मौसम में बेल का शरबत हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बेल की तासीर ठंडी होती है और बेल हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है, इसलिए हमें बेल का शरबत गर्मियों में ज़रूर पीना चाहिए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बेल का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पका हुआ बेल लिया है और अब हमें इस बेल को तोड़ लेना है। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ लेंगे। और यहाँ पे मैंने बेल को तोड़ लिया है और अब हमें इसके पल्प को एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम चम्मच की हेल्प से इसके पल्प को निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने बेल के पल्प को अच्छे से निकाल लिया है और अब हमें इसमें डाल देना है पानी। तो यहाँ पे मैं एक ग्लास पानी डालूंगी। पानी उतना ही डालना है कि बेल का पल्प अच्छे से पानी में डूब जाए। बेल के पल्प को पानी में अच्छे से भिगोने के बाद आप चाहें तो अभी इसका शरबत बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे बेल का पल्प अच्छे से फूल जाता है और इसका पल्प अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल का पल्प अच्छे से फूल चुका है। और अब मैं आधा ग्लास पानी डालूंगी और बेल के पल्प को हाथ से मसल के अच्छे से निकाल लेंगे। और इसके लिए आपके हाथ का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, हाथ हाइजीनिक होना चाहिए। इसके बाद आप हाथ से मसलते हुए बेल के पल्प को अच्छे से निकाल लीजिए। जब आप बेल के पल्प को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं तो बेल का पल्प बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे बेल का पल्प अच्छे से निकल चुका है और अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में छान लेंगे। चम्मच की हेल्प से हमें इसे अच्छे से छान लेना है। बाकी के पल्प को भी डाल के हम छान लेंगे। चम्मच से दबाते हुए बेल के सारे पल्प को मैंने निकाल लिया है और अब हम बाकी जो इसमें पल्प बचा होगा आधा ग्लास पानी इस पे डालेंगे और अच्छे से मसलते हुए बेल के सारे पल्प को अच्छे से निकाल लेंगे। बेल का सारा पल्प यहाँ निकल चुका है और अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल देंगे। 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है। 1 चम्मच काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से घुल जाए तब तक हमें इसे इसी तरीके से घोलना है। और यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल चुका है, चीनी मेल्ट हो चुका है और अभी बेल का शरबत काफ़ी गाढ़ा है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 ग्लास एकदम ठंडा पानी और 1 नींबू का रस डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही हेल्दी टेस्टी बेल का शरबत बन चुका है। इसे हम ग्लास में सर्व करेंगे। आप चाहे तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं और पुदीने के पत्ते से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी बेल का शरबत बन चुका है। आप अगर इसे 1 ग्लास पीते हैं तो सारे दिन ठंडक और ताजगी महसूस करेंगे और सारे दिन ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो इस हेल्दी शरबत को ज़रूर बना के पीजिए गर्मियों में। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।